गोरखपुर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि आज की प्रेस वार्ता चार बिंदुओं पर आधारित है। पहला कि एक जातीय जनगणना का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं करा रही है। मैं जाति जनगणना के लिए 7 जून 2015 को बोल रहा था, तब हमारे लोगों की गोली से बोली बंद कर दिया गया था। मैं इतना ही कह रहा था कि संविधान से देश चलता है और संविधान के मुताबिक लोगों को सुरक्षा मिलती है। अगर अनुसूचित जाति की सूची 1931 से बनी हुई है तो 31 में और 41, 51, 61, 81 में अनुसूचित जाति में निषादों की गिनती हुई। अगर हम 50 से 60 सालों तक अनुसूचित में थे और राष्ट्रपति के मुताबिक देश आजाद होने के बाद भी सूचीबद्ध हैं, तो केंद्र सरकार में रहने वाली कांग्रेस और सपा बसपा सरकार में 1991 में हमारे पुकारू नाम को पिछड़ी जाति की सूची में डालना, 1961 में पहली जनगणना हुई थी भारत सरकार के द्वारा तो कानून के रूप में हमें संवैधानिक सुरक्षा मिली थी, तो वो कौन सी परिस्थिति आ गई? सपा बसपा कांग्रेस ने वोट हमसे लिया, हमारा संवैधानिक सुरक्षा क्यों छीन लिया? मेरा कहने का मतलब है कि संविधान कहता है कि केवट मल्ला अनुसूचित हैं। एक कागज मेरे पास था तो पता चला कि मुकुल वासनी और शैलजा ने उसे गायब कर दिया था, उनके खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा। तो मैं योगी और मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी पार्टी का जन्म ही आरक्षण पर है, आज भी जिंदा रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भी रहेगा। इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम एक संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकालेंगे। आज महिला आरक्षण के बिल पर किसी ने विरोध नहीं किया, हमारे आरक्षण को छीनने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। इस संबंध में ये आरक्षण यात्रा निकालेगा और आरक्षण मामले में हम बताएंगे कि सपा बसपा ने आपके साथ क्या किया है, और योगी जी और मोदी जी को भी एहसास कराया जाएगा कि हम लोग इसलिए आए थे कि हमारा आरक्षण का मुद्दा हल होगा। 2019 दे दिया, 2022 दे दिया, 2023 दे दिया, 2024 में जिस तरह से महिला आरक्षण बिल है, हम भी आरक्षण मांग रहे हैं, हमारी भी आरक्षण की बातें मांगी जाएं। हमें पिछड़े में नहीं, हमें अनुसूचित में होना चाहिए। भाजपा अगले सत्र में हमारा बिल लाए और इसको पास करे, जो विरोध करेगा वो बाहर जाएगा और हमें पास करेगा वो सम्मान पाएगा। यहाँ हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं, 15 तारीख को गोरखपुर मंडल में 10 बजे से रोड शो करेंगे और ज्ञापन देंगे। हम खुद धरने पर बैठेंगे और हम बताएंगे कि हम समाज के साथ हैं। जाति गणना के सवाल पर बताया कि जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन जो इसमें विसंगति है वो दूर हो। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हम खुद ज्ञापन देंगे, हम खुद धरने पर बैठेंगे और बताएंगे कि भाई हमारे जो संविधान है, हम समाज के साथ हैं, समाज हमें उस लायक वकील बनाया। निश्चित रूप से अभियान के माध्यम से जाता है और कमिश्नर जहाँ परमिशन मिलेगा, जहाँ ठीक रहेगा उचित रहेगा। जाति गणना होनी चाहिए या नहीं? अभी जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन लेकिन जो उसमें विसंगति है वो दूर हो, कहाँ कौन गिना जाएगा तय हो जाए। ठीक है, ये 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके रोड पर घुमा दिया है। मैं पाइप लाइन में है, पॉलिथीन में है, साइड में घूम रहे, वो कहाँ गिने जाएंगे? उनके लिए भी संविधान ने जगह दिया विमुक्ति जनजाति की, हम कहाँ गिने जाएंगे? भाई राष्ट्रपति ने गिनवा दिया, हेमंत सेन डाल दिया, बहन जी रोड भी। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें निकाल दिया है। राज्यपाल को पावर है पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब उत्तर प्रदेश जो आरक्षण अधिनियम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षण अधिनियम 1994 13 में, कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं। अगर गजट करके हमें निकाल दिया है राज्यपाल ने पिछड़ी से, तो हमारी गिनती तो पिछड़ी में नहीं होनी चाहिए, हमारी अनुसूचित में होनी चाहिए। ये मेरा काम है कि यहाँ हमारी गिनती होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर हो करता। पहले तो विसंगति दूर होना, तो हम तो विसंगति दूर कराने लगे। और साथ में ये जो गिनती गिनती चिल्ला रहे हैं, हम तो 2015 से कह रहे हैं, 7 जून 2015 की गिनती कराने लिए है, तो विसंगति दूर करो। पहले जैसे गिनती का मारने वाला नहीं, हमें धुंधा करने वाला करो, हमें गोली से मारने का प्रयास किया गया, एक भाई मरा भी हमारे। तो आज बिहार एक फ्रॉड मुहिम पे स्ट्रैक, जैसे फ्रॉड लोग होते नहीं, फ्रॉडिया मतलब धोखा देने वाला। भाई बिहार बंगाल का एक पार्ट है, बिहार देश आजाद हुआ तो संविधान की सूची में केवट मल्ला बिंद पर बंगाल में अनुसूचित में है। जब पार्ट अलग हुआ तो पन्ना क्यों नहीं आया? भाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो यहाँ की अनुसूचित जात गई है, सूची गई उत्तराखंड, तो हमारी अनुसूचित जात की सूची कहाँ गायब हो गई?
पहली बात वहीं से शुरू हो गया। आज के दिन में एक तो गलती हो गई, हमारा इंस्टीट्यूट का बताना, पलटू राम जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो पलटू राम ने प्रस्ताव भेजा कि निषाद ऐसे ऐसे अनुसूचित में आते ही मिलना चाहिए, हमारी गिनती करते हुए अनुसूचित में। दूसरा गिनती कैसी हुई कि पौवा भाई कुर्मी है, कुर्मी में तमाम उपजाति है, मल्ल है, कुर्मी है, चौधरी है, वर्मा है, सैठवार है, सबको पौवा पौवा को गिर के झगवा बना दिया। भाई यादव है, ग्वाल है, धरोहर है, चौहान है, ये सारी उपजाति है और उनके सर में है, उसको आपने इकट्ठा करके झगवा बना दिया। और निषाद को केवट मल्ला बिन कश्यप कहाँ घूमर रहकर वाथन चुराया है, पंथर और जो है माघी मधुवार जो है दुनिया, ये दशमलव को उन्होंने गिन दिया। इसका मतलब जो पॉलिटिकल गार्ड फादर आप मिल्क मैन होंगे, पॉलिटिकल गार्ड फादर एग्रीकल्चर मैन होंगे, तो वो अपना राजनीति बताते नहीं, मैं कितनी लड़ाई लड़ा हूँ और कितना तुम्हारे लिए काम किया हूँ, नीत बनाया हूँ, नेता से नहीं भरा होगा नीत, ये तो बता देंगे नहीं कि हमने कितना किया यादव के लिए, यादव सम्मेलन पहले होना चाहिए बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब दलित बेचारा दलदल में इसमें था, दलित दलदल में, कि आज तक उसको दबाया गया था, उसे कानूनी सुरक्षा मिली, लेकिन सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ लेदर मैन कांशीराम हुए, तो लेदर मैन में 66 समूहों का हिस्सा था गया। मैंने कहा था अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा, इसलिए दलित सम्मेलन करना पड़ रहा है कि आगे जो बाकी और समूह है, जैसे उसमें मतवार है, उनमें मेहतर है, वाल्मीकि है, सिद्धार है, मतलब 66 समूह है ना, तो केवल लेदर मैन का विकास हुआ, वासर में, फिशरमैन, क्राफ्टमैन कहाँ चले गए? ये भाई ये दलितों की वो जाती है वो समूह आए नहीं, मतलब इसके मतलब जो अनुसूचित जात आयोग है वो केवल लेदर मैन आयोग माना जाए, तभी माना जाएगा कि उन्हें लुटवा दिया। दोषी तो भाई आयोग तो अधीन होता सरकार के, पिछली सरकारों के अधीन आयोग ने ऐसा किया, तभी तो लेदर मैन सबका हिस्सा खा गए। आज के दिन में पिछड़ा में सम्मेलन करने, निषाद सम्मेलन करने का मतलब हुआ कि नाम का पिछड़ा कहा गया, लटकाओ लटकू राम बना के रखे रहे, ये अनुसूचित से पिछड़े निकालते थे, बहन जी रिश्ते ले लेती थी तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाते थे। हमारे कहने में जब तक आप सत्ता में थे 30 साल, तब क्यों नहीं सम्मेलन किया कि आप आओ मेरे साथ, आपका इतना हिस्सा बनता मैं दे रहा हूँ। जैसे आज के दिन हम सम्मेलन करते हैं तो मोदी जी अमित शाह भी बुलाते, योगी जी बुलाते, मुख्यमंत्री बुलाते कि भाई इनका हिस्सा नहीं मिला आप दीजिए, उसके लिए प्रयास चल रहा है, नीत बन रही है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, परसों उसमें खाता खुल गया, पैसा आ गया, अब आज से उनका इलाज के लिए, फीस के लिए, उसके लिए क्या नाम है, कोचिंग के लिए, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए महिला।